क्वेश्चन है कि योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे. फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इट करेंगे रेट ऑफ हेयर ग्रोथ. लुक द रेट ऑफ हेयर ग्रोथ इज इक्वल टू इसका लिखेंगे 1 मिलीमीटर. सो 1 मिलीमीटर पर डिवाइड एंड देन डे. ठीक है, अपने फाइंड करना है कि फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड एंड मिन नैनो. सो ग्रोथ इन नैनोमीटर पर सेकेंड दिस वन विल फाइंड. सबसे पहले आपने करना है कि वन डे हैज सेकेंड्स. एक डे में 24 आवर्स होते हैं और एक 24 आवर्स और 1 आवर में 60 मिनट्स और देन एक 1 आवर में 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. ठीक है, इसको पहले चेंज करने हैं इनटू सेकेंड्स में. सो वी कैलकुलेट ऑल ऑफ देन देन वी हैव 8,6,400 सेकेंड्स. नाउ अब इसको चेंज करेंगे हम इसको पावर सिग्निफिकेंट फिगर जैसे होता है कि 8 के बाद 8 है देन डेसिमल लगाएंगे और 6 एंड 4 जीरो को छोड़ देंगे. मल्टीप्लाई 10 to raise power. फर्स्ट नंबर कुछ हो के हाउ मेनी नंबर्स आफ्टर डेसिमल 1, 2, 3, 4. सो आपने आप लगा देना है यहाँ पर पावर इज 4 सेकेंड्स. इसके बाद आपने करना है कि वी नो डैट के 1 मीटर है उसमें 1000 मिलीमीटर्स होते हैं. ठीक है, तो अब आप इसमें लिखेंगे कि हमने फाइंड करना है क्योंकि हमने मिलीमीटर फाइंड करना था 1 मिलीमीटर. सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर. सो ये 1/1000 चेंज हो जाता है 1. इसको अपने पावर्स में लिखेंगे इनटू 1/10 power 1, 2, 3. सो 3 मीटर. देन ये जो 3 है जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 to raise power. ये जब भी पावर को ऊपर लेके जाते हैं यानी कि डिवाइड से ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा इनटू 3 मीटर हो जाएगा. ठीक है, अब हमारे पास जो फार्मूला था वो था रेट ऑफ ग्रोथ रेट है. अब हमने ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है दिस वैल्यूज नंबर 1 वाली और दूसरी हमारे पास अभी हम देखते हैं एक ये वैल्यूज थी और एक ये वैल्यू. ये 2 वैल्यूज है जो कि हमने इसमें लगाएंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन का था कि रेट ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ हेयर ग्रोथ इज इक्वल टू हमारे पास 1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 to raise power -3 है. सो 1 times 10 to raise power -3 लिख देंगे इसको. ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास पर डे में कितना हमारे पास सेकंड्स थे 8.64 × 10⁴. और साथ क्योंकि हम लिखेंगे इसमें मीटर पर सेकंड. अब कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो हमारे पास इसको आ जाएगा 1/8.64 एज इट इज़ लिख देंगे टाइम्स बाय 10 to raise power -3. ठीक है, और ये 10 to raise power +4 है इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे तो इनटू 10 to raise power -4 हो जाएगा एंड मीटर पर सेकंड एज इट इज़. फिर इसके बाद आपने करना है इसको कैलकुलेटर से चेंज करेंगे तो वैल्यूज हमारी आ जाएगी 0.1157 इंटू 10 to raise power. अब ये जो हमारे पास 2 पावर्स हैं -3 टाइम्स बाय 10 to raise power -4 इनको आपने ऐड कर देंगे क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई का साइन आता है तो पावर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1157 इंटू 10 to raise power -7. पावर्स को ऐड करेंगे लेकिन साइन हमेशा बिग नंबर का ही आएगा. ठीक है, इसके बाद आपने लिखना है कि इसको डेसिमल को हमने मूव कर देंगे क्योंकि हमारे पास था कि हमें नैनो में चाहिए था. ठीक है, नैनो जो होता है उसमें हमें पता है कि 10 to raise power -9 इक्वल्स टू होता है 1 नैनो के इक्वल होता है क्योंकि हमारे पास -7 है. अब इसको -2 हमें और चाहिए 9 करने के लिए. सो हम डेसिमल को मूव करेंगे आफ्टर 11 के बाद लगाएंगे. हम लिखेंगे 11.57 इंटू 10 to raise power -2 इंटू और बाकी हमने इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं इंटू 10 to raise power -7.
इसलिए अब देखें 11.57 इनटू 10 टू रेस पावर मल्टीप्लाई का साइन है और 10 दोनों पावर जो है वो 10 के ऊपर है तो हम दोनों को ऐड करेंगे माइनस 2 माइनस 7 इज़ माइनस 9। तो जिस तरह आपके पास ये आपका आंसर सॉल्व हो जाता है।